नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण करेंगे और बिना ब्रेक के विश्लेषण करेंगे, जैसा हम खबरदार में करते हैं। आज गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आज तक से बातचीत की, उसमें कई राज खोले, कई ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे उनके जवाब विकास दुबे की पत्नी ने दिए हैं। थोड़ी देर में हम आपको इस इंटरव्यू के हाईलाइट्स दिखाएंगे। इसके अलावा आज खबरदार का फोकस चीन पर रहेगा, क्योंकि चीन से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में पूरे देश को जानना और समझना चाहिए। आज की बड़ी खबर यह है कि चीन ने पेंगोंग सो और गोगरा पोस्ट में अपने कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया है। हालांकि हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन के पीछे हटने के संकेत मिले, लेकिन भारत और चीन के टकराव के सबसे बड़े केंद्र बिंदु पेंगोंग सो में चीन ने दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटने की रणनीति अपनाई है, ताकि वो पीछे हटते हुए भी फायदे में रहे। चीन के इस रुख को देखते हुए भारत ने 29 जुलाई को आने वाले राफेल लड़ाकू विमानों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया है। हमारे 5 राफेल विमानों को फ्रांस के हैमर मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के राफेल में स्कैल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल की ट्रिपल शक्ति होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चीन के विश्वासघात को देखते हुए भारत ने अपने परमाणु हथियारों का निशाना पाकिस्तान से हटाकर चीन की तरफ कर दिया। अमेरिका के बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत की परमाणु ताकत से जुड़े ये नए डिटेल्स सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की परमाणु मिसाइलों की रेंज में अब चीन की राजधानी बीजिंग समेत लगभग पूरा चीन है। भारत की न्यूक्लियर नीति का यह बदलाव बहुत बड़ा संकेत है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। चीन को जवाब देने के लिए भारत इस समय हर तरह की रणनीति अपना रहा है। आईटीबीपी के जवान 24 हफ्ते की एक स्पेशल ट्रेनिंग पर हैं। इस ट्रेनिंग में उन्हें फौलाद बनाया जा रहा है, फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स दिए जा रहे हैं, जवानों को मैंडरिन भाषा सिखाई जा रही है, ताकि भारत के जवान हर षड्यंत्र को डी कोड कर सके और चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। इस ट्रेनिंग पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और उत्तराखंड चीन सीमा पर 3 हवाई पट्टियों को ऑपरेशनल करने की योजना है। चीन से सटे बॉर्डर के लिए जो मेगा प्लान बना है, उसके अनुसार उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़, पिथौरागढ़ के चौखुटिया और चमोली के गोचर में हवाई पट्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तीनों जिले भारत चीन बॉर्डर के बेहद करीब है और युद्ध के हालात में यह कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन हवाई पट्टियों पर भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गैंगस्टर विकास दुबे तो मारा गया है, मगर उसके एनकाउंटर के बाद पहली बार विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने आज तक से बात की है। ऋचा दुबे ने आज तक को विकास दुबे के बारे में बहुत सारी बातें बताई, यहां तक कह दिया कि विकास दुबे ने जिस तरह का अपराध किया था उसके बाद अगर वो उसके सामने आ जाता तो खुद विकास दुबे को गोली मार देती। सुनिए विकास दुबे की पत्नी ने आज तक से और क्या क्या कहा। विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया और उसके साथ ही तमाम वो राज दफन हो गए, जिससे पता चल सकता था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई क्यों। हमारे साथ बात करने के लिए ऋचा दुबे हैं, जो उनकी पत्नी हैं। शायद वो ये रोशनी डाल सकें कि आखिरकार वो इतना खूंखार अपराधी क्यों हो गया, क्या हुआ था उस दिन, किस वजह से इतना बड़ा जो कांड हुआ वो हुआ, और क्या बात कहनी है इनको खुद, ये सब हम जानेंगे ऋचा दुबे जी से। ऋचा जी, ये बताइए, जितनी हैरान करने वाली बात दूसरों लोगों के लिए है, आपके लिए भी होगी कि 8 लोगों को मार दिया। क्या आपको लगता है क्या हुआ था? आप पहले, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप विकास दुबे से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह के इंसान थे, कैसे आपने क्या जाना उनके बारे में? जी, वो एक मेरा जो बड़ा भाई था उसके वो फ्रेंड थे और उनके साथ उनका आना जाना हुआ घर में। ऐसे आना जाना होने लगा, कुछ व्यवहार हम लोगों का घर में काफी अच्छा हो गया। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम एक साथ रह सकते हैं, फिर हमारी उनसे मैरिज हो गई। अच्छा, तो कितने साल शादी को हुए आपने? मेरे की शादी के हो गए करीब 23 साल। 23 सालों में कभी आपको लगा कि विकास दुबे इतने खूंखार अपराधी हैं? देखिए, मेरी तो शादी हुई थी, कुछ दिन तक तो मैं साथ में वहीं रही, उनके पास रही। फिर मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा, जो घर की एक्टिविटी थी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती थी। जब मैंने इस पे मना करना शुरू करा या मैंने कुछ कोशिश करी समझाने की, तो उसका खामियाजा मैंने भुगता, जैसे मार पीट, लड़ाई झगड़ा। तो कब आपने छोड़ा वहां पे, वहां से कब चली आई लखनऊ? मैंने मेरी 96 में शादी हुई है, मैं मुश्किल से
98 तक वहां रही हूँ, 2 साल मैं रुकी हूँ। फिर मैं अपनी मम्मा के पास चली गई, शास्त्री नगर में मेरा मायका है। 7 साल करीब मैंने वहां बिताए हैं अपने। तो इस दौरान विकास दुबे नहीं आते थे या आप जाते नहीं थे? नहीं, मैं कभी कभी जब वो बच्चों को देखना होता था तो वो कभी कभी आते भी थे और मैं भी कभी कभी जाया करती थी। और वो बस हम बच्चों का खाना पीना जो भी एक हस्बैंड देते हैं खर्चा, वो सब हमारा देते थे। और फिर मेरे माँ बाप थे तो वो भी हम लोग का काफी ध्यान रखते थे। अच्छा, ये घटना जो हुई 2 और 3 जुलाई की रात में, वो आपको कैसे पता लगी? मुझे तो ऐसे पता चली कि विकास का रात में 2 बजे कॉल आया। उन्होंने बताया कि हमारा गांव में झगड़ा हो गया है और ऐसा करो तुम बच्चों को लेके घर से निकल जाओ, क्योंकि रात में 2 बजे कोई भी लेडीज होगी सर, कोई भी होगा घबरा जाएगा। मैंने जब ये कॉल सुना तो मैं बहुत डर गई और मेरी बात हुई विकास से और इतना ज्यादा मैं डर गई कि मेरे फोन वहीं पर मेरे से छूट गया कमरे में, उस स्विच ऑफ हुआ ऑन हुआ कुछ मुझे पता नहीं। मैं बच्चों को लेके घर से बस यूं ही निकल गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, ना मेरा यहाँ मैका है, ना मेरी ससुराल में कोई ऐसा है कि जो मुझे रख ले, या मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझे ऐसा रख ले। मैं घर से यूं ही निकल गई, मुझे समझ ही में नहीं आया। मैं इतने दिन बस ऐसे ही टहलती ही रही है। नहीं, तो इस दौरान किसी ने मदद की, किसी के यहाँ रही या होटल रेस्टोरेंट, कहाँ आपने कैसे वक्त गुजारा? मैंने एक यहाँ पर एक प्लाजा था उसके ऊपर हम लोग छत में रात में पहले दिन भर वहां टहलते थे, बट फिर प्लाजा में जाके रात में चुपचाप हम तीनों लोग सो जाते थे। फिर दिन होता था तो ऐसे टहल टहल के हम लोगों ने ऐसे 7 डेज गुजारे। मुझे बताइए, जब ये घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने बताया कि झगड़ा हो गया है, आपको ये कब पता लगा कि पुलिस वालों को मार दिया? ये तो हम लोग जब बाहर टहल रहे थे, हम एक बस स्टैंड पे गए, वहां पर टीवी लगी रहती है, मेट्रो स्टैंड में टीवी लगी रहती है जगह जगह, जैसे जहां पर हम लोगों ने होटलों में खाना वगैरह खाया, भाई ऐसे ही अपना टाइम काटना था। वहां पर टीवी में मैंने 7:30 बजे के करीब न्यूज आई कि विकास दुबे ने 8 लोगों को इस तरीके से मार दिया है, 7-8 लोग घायल हुए हैं। बस ऐसे ही मुझको सब पता। ऋचा जी, जो विकास दुबे ने किया उसके बारे में एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के अपनी उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ, उनके इस कृत्य पे माफी मांगना चाहती हूँ, उन 10 औरतों से और 17 जिनको चोट आई है, कि उनकी गलती की सजा मुझको और मेरे बच्चों को ना भोगनी पड़े और हमको क्षमा करें इस मैटर से, क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों का कोई कृत्य में इसमें नहीं था। और मेरी सारी संवेदना उन 10 औरतों के साथ भी है और 7 जो चोट लगी है उनके साथ भी है, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक होती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, एक आम महिला होने के नाते अगर वो विकास दुबे आपके सामने होते और आपको पता होता है इस तरह हरकत की है तो आप क्या करती? तो मैं कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती, और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा एक मेरा घर बर्बाद हो जाता तो मैं सह लेती, पर वो 17 घर बर्बाद हुए उसका गम मैं आज तक मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ अपना, मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मैं रो नहीं पा रही हूँ, अपना दर्द नहीं किसी को बता पा रही हूँ, क्योंकि वो 17 का दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा है। अब भारत और चीन के टकराव को स्मार्ट बोर्ड पर देखते हैं, चीन की हरकतों और भारत के आक्रामक रुख को एक साथ एक लेंस से देखेंगे तो आपको मौजूदा परिस्थिति समझ में आएगी। भारत और चीन के टकराव का ये स्मार्ट चार्ट देखिए, इसमें एक तरफ चीन की चालाकियां हैं, दूसरी ओर भारत की आक्रामक रणनीति की झांकी। देखिए, चीन ने लद्दाख सीमा पर हॉट स्प्रिंग्स में पीछे हटने के संकेत दिए, जबकि वो पेंगोंग लेक और गोगरा में पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत की ओर से यह तय किया गया है कि 29 जुलाई को आने वाले राफेल विमान में हैमर मिसाइल फिट किए जाएंगे। हैमर वो मिसाइल है जो दुश्मन के खेमे को तबाह करने की शक्ति रखता है। साथ ही आईटीबीपी के जवानों को मसूरी में खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन लगातार साजिश के तहत फिंगर 5 में कई तरह के ढांचे बना रहा है। तो भारत की ओर से चीन की चालाकी को खत्म करने के लिए भारत ने अपना न्यूक्लियर निशाना पाकिस्तान से हटाकर चीन पर लगा दिया है। चीन 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली रणनीति अपनाता है, जबकि भारत ने तय कर लिया है कि अब वो चीन की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। इसीलिए भारत उत्तराखंड में सेना के लिए 3 हवाई पट्टियों का निर्माण कर रहा है। मकसद साफ है कि चीन को भारत हर हाल में चित करने के लिए
पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट देखिए कैसे चीन की हर साजिश को तहस नहस करने के लिए हम तैयार हैं। राफेल उड़ेगा तो चीन के होश उड़ाएगा, जब हैमर वाला हथौड़ा पड़ेगा तो चीन की सारी चालें चकनाचूर हो जाएंगी। आपको याद होगा लद्दाख में बर्फीली हवाओं के बीच चीन ने जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा तो सामने फौलाद की तरह खड़े हो गए थे भारत के जवान। देखते ही देखते सरहद पर चीन की साजिशों की धज्जियां उड़ गईं। जब हमारे जाबाजों ने बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को ठिकाने लगाया तब चीन बातचीत की मेज पर आया, लेकिन चीन के बारे में मशहूर है कि वो दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटता है ताकि पीछे हटने पर भी उसी का फायदा हो। एक बार फिर चीन पर धोखेबाजी का ठप्पा लगा, एक बार फिर एलएसी पर अड़ गया है चीन। खबर यह है कि चीन हॉट स्प्रिंग्स में तो पीछे हटने को राजी हो गया है मगर वो पेंगोंग में पीछे नहीं हटना चाहता। चीन फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाके में भी डटे रहना चाहता है। वहाँ रिज लाइन या छोटे पहाड़ी रास्तों पर चीन की मौजूदगी है। फिंगर 5 के आसपास चीन के कई ढांचे बने हुए हैं। इसके अलावा चीन गोगरा पोस्ट से भी पीछे नहीं हटना चाहता। लद्दाख में कुछ इलाकों से पीछे हटने के बाद एक बार फिर से चीनी सेना ने अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना पेंगोंग शुल्लेक में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। वहीं पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। चीनी सेना की 40,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त भी पूरी तरह से तैयार हैं। कोर कमांडरों की बैठक के बाद चीन ने यह नया पेच फंसाया। मतलब सीधा है कि चीन गलवान घाटी में तनाव को कम करने की सूरत में काम करने के बजाय तनाव को बढ़ा रहा है। I had noted that the conduct of Chinese forces this year, including the deployment of large body of troops and changes in behavior accompanied by unjustified and untenable claims, has been in complete disregard of all mutual agreements. We have also made it clear that India is fully committed to observing and respecting the LAC and that we will not accept any unilateral attempts to change the status quo along the LAC. लेकिन चीन को ये बात बहुत कायदे से समझ लेनी चाहिए कि भारत ने ठान लिया है कि चीन को किसी भी सूरत में मई से पहले वाली स्थिति में जाना ही होगा। जब तक वो फिंगर 8 तक नहीं लौटता तब तक भारत से उसका विवाद खत्म नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, चीन की आदत को देखते हुए भारत ने पूरी तैयारी कर ली। सरहद पर हमारे जवान पहले से मुस्तैद हैं, सरहद पर हमारे लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं, मगर चीन की इस नई हरकत के बाद भारत थोड़ा और सख्त हो गया है। 29 जुलाई को 5 लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस से आ रहे हैं, मगर चीन से विवाद को देखते हुए भारत ने तय कर लिया है कि राफेल में विध्वंसक मिसाइल हैमर लगाई जाएगी। राफेल में पहले से भी कई मारक हथियार लगे हुए हैं। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली मिट्योर मिसाइल लगी है। मिट्योर को विजुअल रेंज मिसाइल की श्रेणी में दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। मिट्योर के अलावा राफेल में स्कैल्प मिसाइल भी लगी हुई है। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है, लेकिन इसमें हैमर को भी शामिल किया गया है। हैमर राफेल को और विध्वंसक और मजबूत बना देगी। भारत सरकार फ्रांस से ही मंगा रही है हैमर मिसाइल। चीन की हरकतों ने भारत को यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है। भारत ने चीन को यह कड़ा संदेश इसलिए दिया है कि अगर चीन नहीं माना तो उसके लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद के समय फ्रांस से हैमर मिसाइल मांगना कोई आम बात नहीं है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल्स, और इनकी खासियत ये है कि ये पहाड़ी इलाकों और खास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख में बने हुए दुश्मन के बंकरों,
और मजबूत शेल्टर्स को ध्वस्त कर सकती हैं, यानी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती हैं। कुल मिला के ये कहेंगे कि राफेल और उसके साथ की इस पूरी वेपनरी के आने के बाद भारतीय वायुसेना का दमखम बढ़ेगा और चीन जैसा मिलिट्री पावर में सक्षम देश भी हमें हल्के में नहीं ले सकेगा। चीन को सबक सिखाने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि एक तरफ चीन के 30 से 40 हजार सैनिक अब तक सीमा पर जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ चीन पेंगोंग और गोगरा पोस्ट पर भी अड़ा हुआ है। ऐसे में चीन को हैमर वाले हथौड़े का स्वाद मिल सकता है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन को जवाब देने के लिए भारत के राफेल में हैमर मिसाइल फिट की जाएगी। 29 जुलाई को भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स को अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। वायुसेना इसमें हैमर मिसाइल फिट करेगी। इसके लिए फ्रांस से बातचीत हुई है और हैमर मिसाइल के लिए इमरजेंसी ऑर्डर दिए गए हैं। हैमर का शाब्दिक अर्थ होता है हथौड़ा, और ये मीडियम रेंज वाली मिसाइल हथौड़े की तरह ही दुश्मन के अड्डे पर वार करती है। इसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। यह आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर मिसाइल लद्दाख जैसे इलाकों में मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकर्स को तबाह कर सकती है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। यहां आपको बता दें कि राफेल मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस होगा। राफेल से फायर की जाने वाली स्कैल्प मिसाइल हवा से लॉन्च होने वाली एक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। ये मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आती और इसका निशाना अचूक होता है। इसके अलावा मीटियोर मिसाइल विजुअल रेंज के पार जाकर वार करने वाला हथियार है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इस श्रेणी में चीन और पाकिस्तान के हथियारों से आगे है। हवाई युद्ध में यह हथियार दुश्मन पर अच्छा खासा दबाव डाल सकता है। यानी राफेल के पास अब 3 मिसाइलों की एक ट्रिपल शक्ति होगी। भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। ये ताकत जहां बड़े युद्ध के खतरे को रोकती है, वहीं इस बात का भी खतरा बना रहता है कि कहीं बड़ी लड़ाई छिड़ गई तो यह परमाणु हमले का ट्रिगर भी दब सकता है। खबर है कि भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियार का फोकस चीन की ओर मोड़ दिया है। यानी अब चीन की राजधानी बीजिंग भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की रेंज में आ गई। अमेरिका के बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स में प्रकाशित रिपोर्ट को हमने पढ़ा है, उसमें कई बातें चौंकाने वाली। दो शक्तिशाली मुल्कों के बीच जब तलवारें खिंच जाएं, तो बात छोटी नहीं रहती। खतरे में करोड़ों लोग होते हैं, और अगर बात भारत और चीन की हो तो दुनिया की एक तिहाई आबादी इसके प्रभाव में आ जाती है। चीन को परेशान करने वाली एक पक्की खबर यह है कि भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब पाकिस्तान से हटकर चीन पर शिफ्ट हो रहा है। ये खबर रोमांच से भरने वाली नहीं है बल्कि बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये सरहद पर मामूली फौजी झड़प नहीं बल्कि उससे बहुत आगे की बात है। अमेरिका के बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत की परमाणु ताकत का विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु मिसाइलों का रुख अब चीन की तरफ मुड़ गया है, और इसकी रेंज में चीन की राजधानी बीजिंग समेत लगभग पूरा चीन है। भारत की परमाणु क्षमता किसी एक देश को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है, ये शुरू से ही बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है। परमाणु ताकत का पूरा फोकस खुद को महाशक्तियों के मुकाबले खड़ा करने का है, और ये तैयारी चीन को ध्यान में रखकर नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम विवाद के बाद से ही भारत ने अपनी चीन नीति में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत की तैयारी का विश्लेषण किस तरह किया गया है। भारत जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है, और अब भारत की पहचान न्यूक्लियर ट्रॉयड संपन्न देश के तौर पर होती है। न्यूक्लियर ट्रॉयड का मतलब है धरती, आकाश और समुद्र तीनों से परमाणु हमला करने की शक्ति। भारत परमाणु क्षमता वाले 2 एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, 4 जमीनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है।
भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस तैयारी के दो मतलब हैं। पहला ये कि भारत कहीं से भी परमाणु हमला करने में सक्षम है और दूसरा ये कि चीन का कोई भी कोना हमारे मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। हम जानते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो हमको ये जाहिर सी बात है कि हमारी दृष्टि चीन के तरफ होनी चाहिए, एनिमी नंबर 1 की तरफ, एनिमी नंबर 2 के तरफ नहीं। भारत नौसेना समंदर पर चीन की दादागिरी अब चलने नहीं देगी। भारत के पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K4 के 6 कामयाब टेस्ट हो चुके हैं और ये उत्पादन के लिए तैयार मानी जा रही है। K4 बंगाल की खाड़ी से पूरे पाकिस्तान और चीन के अधिकतर हिस्सों को टारगेट करने में सक्षम होगी। इसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। भारत की जो परमाणु शक्ति है वो साल पर साल बेहतर होती जा रही है। हमारे अगर परमाणु हथियारों का हम रेंज देखें, खासतौर से डोकलम के बाद हमारे मैक्सिमम मिसाइल्स की जो रेंजेस अब हैं वो चीन के कई प्रोविंसेस के अंदर तक हमारी मारक शक्ति आ रखी है। अब जो हमारा स्तर आ रखा है, हमारे स्तर से पाकिस्तान ही नहीं, अब चीन के प्रति हमारे जिस तरह से मारक शक्ति आ रखी है, हमारा फोकस एक तरफ से उन बड़े बड़े रेंजेस के लिए भी हम अपनी मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है और अगले 10 साल में हम लोग को इसको काफी रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। लेकिन युद्ध के उन्माद में चीन की ताकत को नजरअंदाज करना भारी भूल होगी। चीन ने अपनी सैन्य परेड में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 का प्रदर्शन किया है। जहां तक DF-41 का सवाल है तो ये 15,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर एटमी हमला कर सकती है। माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता धरती पर बनी अब तक की सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा है। चीन ने हाल ही में अपने परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ाई है, लेकिन भारत भी इस मामले में डटा हुआ है और कूटनीतिक रूप से अमेरिका का साथ मिलने पर वो चीन पर भारी पड़ सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, आज तक। भारत के परमाणु हथियार युद्ध से ज्यादा बुद्ध से प्रभावित हैं। भारत की नीति है कि वो कभी भी परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत के अंदर युद्ध और विस्तारवाद की अभिलाषा कभी नहीं रही, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पूरी दुनिया परमाणु बम के खतरे पर जैसे बैठी हुई है। दुनिया के 9 देशों के पास 13,865 परमाणु बम है। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। जहां अमेरिका के पास 6,185 परमाणु हथियार हैं, वहीं रूस सबसे ज्यादा 6,500 परमाणु हथियार रखे हुए। ब्रिटेन में 200, फ्रांस के पास 300, इजराइल के पास 80 से 90, पाकिस्तान के पास 150 से 160, भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार है, जबकि चीन के पास 290, उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार। अब तक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के 2 उदाहरण ही मिलते हैं और ये दोनों ही बहुत दर्दनाक हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इनका इस्तेमाल हुआ था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराकर जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन दुनिया अगर इस परमाणु हमले को नहीं देखती तो अच्छा होता, क्योंकि ये भारी बर्बादी लेकर आई। ऐसे में आगे ऐसे हमलों की कोई नौबत न ही आए तो अच्छा। सरहद पर चीन की गुस्ताखियों की कई कहानियां हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चीनी सैनिक सीमा पर भारत के सैनिकों से हाथापाई करते हैं, विवाद को हवा देते हैं। चीन सरहद पर अपने उन्हीं सैनिकों को तैनात करता है जो MMM में पारंगत हो। ये MMM क्या है इसे समझिए। पहला एम है मैंडरिन, यानी चीनी भाषा में सरहद पर बातचीत करने वाले सैनिक। दूसरा एम है मार्शल आर्ट्स, एक ऐसी कला जिसमें कराटे, ताइक्वांडो, अकीदो, जुजुत्सु और कई तरह की युद्ध कलाएं सिखाई जाती। तीसरा एम है मार्क्समैन, यानी सुरक्षा उपकरणों से लैस अचूक निशाना लगाने वाले सैनिक। चीनी सैनिकों ने इन्हीं MMM का इस्तेमाल करके गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला बोला था। ध्यान से देखिए, ये वो हथियार थे जिनसे भारतीय सैनिकों पर गलवान में हमला किया गया था और हमारे सैनिकों को लहूलुहान किया गया था। मगर चीन की तर्ज पर अब भारतीय सैनिक भी MMM का प्रयोग कर रहे हैं। चीनी सैनिकों की तरह ही भारतीय सैनिक मैंडरिन भाषा सीख रहे हैं ताकि वो चीनी सैनिकों से उनकी भाषा में बात कर सके, अगर वो साजिश रच रहे हैं तो उसे सुन सके।
चीनी सैनिकों की तरह ही हमारे जवान मार्शल आर्ट सीख रहे हैं ताकि सीधी लड़ाई में वो चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। चीनी सैनिकों की तरह ही हमारे आईटीबीपी के जवान भी सुरक्षा कवच से लैस होंगे और दुश्मन पर अचूक निशाना लगाएंगे। मसूरी में आईटीबीपी के जवानों की जो ट्रेनिंग चल रही है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सैनिक अगर इन जवानों से टकराए तो बिखर जाएंगे। चीनी सैनिक इन जवानों के सामने आए तो बहुत चोट खाएंगे। चीनी सैनिक अगर इन जवानों से उलझे तो फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता। ये आईटीबीपी के जवान हैं जिन्हें चीन से जुड़ी सरहद पर तैनात किया जाना है, मगर तैनाती से पहले इनकी ट्रेनिंग देखिए। एक एक जवान को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि वो 10-10 चीनी सैनिकों का काम तमाम कर दे। ये जवान अपने शरीर को चट्टान बना रहे हैं ताकि दुश्मन हाथापाई करे तो ये उसका कचूमर निकाल दे। जरा सी भी चूक सरहद पर बहुत बड़ा जख्म दे देगी, इसीलिए इन्हें हर उस मुश्किल समय के लिए तैयार किया जा रहा है जो सरहद पर कभी भी आ सकता है। जवानों को अचूक निशानेबाजी सिखाई जा रही है ताकि अगर दुश्मन फायरिंग करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिले। जवानों को सिखाया जा रहा है कि अगर दुश्मन छिपकर बैठा हो तो उसे कैसे तलाशा जाए और कैसे उनका काम तमाम किया जाए। 18,000 फीट की ऊंचाई और -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इन जगहों पर आईटीबीपी के ये जवान तैनात होते हैं। ये लोग अपने आप को फिजिकली मेंटेन करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर जो एक्सरसाइज करते हैं, इसका साफ और सीधा मकसद है कि ऊंचाई वाले इलाकों में किस तरीके से इनको अपने आप को मजबूत रखना है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से हाथापाई की थी, उनसे सीधे तौर पर भिड़े थे। हालांकि हमारे जवानों ने तब भी चीन के छक्के छुड़ा दिए थे, मगर चीनी सैनिक अगर दोबारा ऐसी हरकत करें तो उन्हें कैसे जवाब मिलेगा वो इन तस्वीरों में। चीनी सैनिकों से सामना करने के लिए इन जवानों को मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है। मैं इस वक्त मसूरी में मौजूद हूँ, यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मार्शल आर्ट के जरिए ये जवान अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि अगर दुश्मन उनके सामने होगा तो वो बिना हथियारों के भी उनको जवाब दे सकते हैं। सरहद पर चीनी सैनिक अक्सर पत्थरबाजी भी करने लगते हैं, इसीलिए जवानों को एक तरह का खास कवच दिया गया है। ये कवच न सिर्फ सैनिकों को पत्थरों से बचाता है बल्कि नुकीले तारों वाले डंडों से भी सुरक्षित रखता है। आईटीबीपी की हर कंपनी के 10% जवानों को ये फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिए जाएंगे। इसका इस्तेमाल बदल बदल कर वो जवान करेंगे जो LAC पर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग करेंगे। ये फुल बॉडी प्रोटेक्शन जो है इसका वजन करीब 6-7 किलो के आसपास होता है और सर से लेकर नख तक यानी पूरा शरीर इनका इसी तरीके से बॉडी प्रोटेक्शन के जरिए ढका रहता है। इसका साफ मकसद यह है कि शरीर में किसी भी तरीके का नुकसान न हो, छाती में जिस तरीके से यहाँ पर अगर पत्थर पड़ता है तो उससे भी किसी तरीके का नुकसान न हो, यहाँ से लेकर के पूरे शरीर तक पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जवानों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही मैंडरिन भाषा भी सिखाई जा रही है ताकि सरहद पर हमारे जवान चीनी सैनिकों की न सिर्फ भाषा समझ सकें बल्कि उनसे सीधा संवाद कर सकें और जरूरत पड़ने पर साजिशों को डिकोड कर सकें। अलग अलग इंस्टीट्यूट में चीनी भाषा को सीखने के लिए आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। मैं इस वक्त मसूरी में मौजूद हूँ और मसूरी में भी इसी तरीके की उनको चीनी लैंग्वेज सिखाई जा रही है। खास तरीके से इनको ये लैंग्वेज सिखाई जा रही है और अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स इनको ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस भाषा को और मजबूत करना है। देखिए, ये इंस्टीट्यूट तो हमारे अधिकारियों को और जवानों को ट्रेनिंग देता है और इस ट्रेनिंग में हम समय समय पर बदलाव करते हैं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उस हिसाब के इनपुट देते हैं और हमारे सुरक्षा बल हमेशा ही तैयार हैं और उस तैयारी उस स्थिति के लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। मसूरी में पहाड़ों के बीच आईटीबीपी के जवान चीन के खिलाफ स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। 24 हफ्ते की इस ट्रेनिंग के बाद सीमा पर जब ये जाबाज खड़े होंगे तो दुश्मनों के पांव तो कांपेंगे ही। जितेंद्र बहादुर सिंह,
मसूरी आज तक। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वादे के अनुसार चीन को अपनी सेना पीछे हटानी थी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा किया नहीं। इस बीच भारत पूरी तरह से सतर्क है और अपनी तैयारियों को और बेहतर कर रहा है। उत्तराखंड से चीन के 3 जिलों के बॉर्डर मिलते हैं। सरकार इन तीनों जिलों को हवाई पट्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि चीन की किसी भी हरकत पर जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई की जा सके। भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर की है, यानी अगर दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े तो ये सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेंगे। खतरा ये है कि कई मोर्चे खुल जाएंगे। उत्तराखंड के दूरदराज के इलाके जो चीन से सटे हुए हैं और जहां भौगोलिक स्थिति की वजह से सड़क मार्ग से पहुंचने में वक्त लगता है, उन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। तैयारी और रणनीति भी बदली जा रही है। जहां रास्तों का निर्माण तेजी से हो रहा है, वहीं उत्तराखंड चीन सीमा पर 3 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल करने की तैयारी है। चीन से सटे बॉर्डर के लिए जो मेगा प्लान बना है, उसके मुताबिक उत्तरकाशी के चिन्या रिसोर्ट की हवाई पट्टी जल्द ही एक्टिव हो जाएगी। पिथौरागढ़ के चौखुटिया में भी हवाई पट्टी बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है। चमोली के कोचर में हवाई पट्टी बनाने के लिए सर्वे हो चुका है। ये तीनों जिले भारत चीन बॉर्डर के बेहद करीब हैं और युद्ध के हालात में बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सर्विस की काफी अहम भूमिका है। बात चाहे आपदा से निपटने की हो या सरहद पर दुश्मन की खिलाफ कार्रवाई के दौरान सैनिकों की आवाजाही को तेज करने की बात हो, ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि चीन सरहद से लगी सामरिक हवाई पट्टियों के निर्माण को तेज किया जाए, जिससे वहां पर स्थानीय लोगों की भी मदद हो और साथ ही चीन के खिलाफ अगर सेना को कोई कार्रवाई को अंजाम देना हो तो उसको भी तेजी के साथ अंजाम दिया जा सके। बॉर्डर के पास 3 एयरपोर्ट्स में से एक चिन्या रिसोर्ट में हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही बढ़ी है। हाल ही में बीआरओ के लिए हैवी मशीन को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंचाने में कामयाबी मिली थी, इससे सड़क निर्माण में तेजी आई है। चिन्या रिसोर्ट पट्टी पर वायुसेना के AN-32 मालवाहक विमान की सफल लैंडिंग हुई थी, लेकिन अब वायुसेना चिन्या रिसोर्ट हवाई पट्टी पर बड़े विमान उतारना चाहती है। हवाई पट्टी का काम अंतिम चरण में है। यहाँ से चीन की हवाई दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट के पूरी तरह एक्टिव होने पर चीन की किसी हिमाकत पर फौरन जवाब दिया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में भारत सरकार से इन हवाई पट्टियों के निर्माण को तेज करने की मांग की है। तीनों हवाई पट्टियों के लिए हमने इसका सर्वेक्षण के लिए हमने कहा, इस पर काम चल रहा है। थोड़ा गौचर में प्रॉब्लम है, वहाँ पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं और पिथौरागढ़ में वहाँ पर कुछ मकानों को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया था DGCA द्वारा, तो उनके लिए जो उनका पेमेंट करना है वो पेमेंट उनको भेज दिया गया है। चिन्या रिसोर्ट में थोड़ा विस्तार की गुंजाइश कम है, लेकिन वहाँ पर भी जो कुछ भी हो सकता है वो सब किया जा रहा है। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में सड़क मार्ग पर काम रफ्तार पकड़े हुए हैं, लेकिन इन इलाकों में तुरंत सैनिकों और हथियारों को जमीन पर उतारने के लिए हवाई मदद ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में तीनों हवाई पट्टियों का एक्टिव होना समय की मांग है। दुश्मन भी समय काफी सक्रिय है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने पर चीन के हुतान एयरबेस में चल रही तैयारियों की पुष्टि हो चुकी है। ये तस्वीरें 22 जुलाई तक की है। चीन का एयरबेस काराकोरम पास के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है और पेंगोंगसो के फिंगर फोर क्षेत्र से 400 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इन एयरबेस पर चीन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बॉम्बर्स और मिसाइल सिस्टम्स सैटेलाइट की नजर में आ चुके हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। वायुसेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 8 नए लैंडिंग स्पॉट एक्टिवेट कर लिए हैं, ताकि बॉर्डर से सटे इलाकों में सामान और सैनिक आसानी से पहुंचाए जाएं। अब ऐसी ही तैयारी उत्तराखंड के लिए भी है। मंजीत नेगी, देहरादून आज तक।
वैसे भारत से ज्यादा चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका बेकरार है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब अमेरिका की तरफ से चीन पर कूटनीतिक हमले नहीं होते। ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने का फैसला लेकर अमेरिका ने पहले ही चीन को संदिग्ध बना दिया। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका में चीन के बाकी दूतावासों पर भी ताला लगा दिया जाएगा। चीन और अमेरिका के बीच हर गुजरते पल के साथ कड़वाहट बढ़ती जा रही है। अमेरिका इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि उसे जहां भी मौका मिल रहा है वो चीन को सबक सिखा रहा है। अमेरिका ने ठान लिया है कि चीन को वो किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं। ताजा मामला ह्यूस्टन का है जहां अमेरिका ने तय किया कि चीनी दूतावास को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि चीनी दूतावास में ऐसी गतिविधियां चल रही थी जो अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने आरोप लगाया है। ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया गया। चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था। अमेरिका के इस फैसले ने चीन को कहीं का नहीं छोड़ा। चीन तड़प उठा और तिलमिलाहट में उसने अमेरिका को चेतावनी दे डाली। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका का यह फैसला दोनों देशों के संबंधों पर असर डालेगा। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो हमें मजबूरी में उसकी प्रतिक्रिया में कुछ करना पड़ेगा। हालांकि चीन अमेरिका का क्या कर पाएगा, मगर कूटनीतिक धमकी देने में क्या जाता है। वैसे आज तक के पास वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि ह्यूस्टन में चीनी अधिकारी कैसे संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। देखिए, तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी कॉन्सुलेट का स्टाफ एक निश्चित समय के लिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। There are two vehicles in tandem standing in front and blocking the front passage. There is a SUV standing behind and blocking the road from behind. It indicates very clearly that something suspicious is happening at that particular moment. अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को संदिग्ध मानकर ही उसे बंद करने का निर्णय लिया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने हैरानी भी जताई। मुझे लगता है कि वो कागजातों को जला रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये सब किस विषय से जुड़ा था। ट्रंप चीन के इस रवैये से बेहद खफा हैं। उन्होंने चीन को चेतावनी की अगली किश्त भी जारी कर दी है। अगर चीन अपना व्यवहार नहीं बदलता है तो उसके अन्य दूतावासों को बंद किया जा सकता है। उधर ब्रिटेन में अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार चीन पर जुबानी हमले कर रहे हैं। उन्होंने चीन को लेकर बयान में कहा कि लद्दाख में चीन ने जो दुस्साहस किया वो सही बर्ताव नहीं है। भारत ने 59 चीनी एप्स भी बैन कर दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक वो फैसला भी बिल्कुल सही था। It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. Our infrastructure projects, our supply chains, our sovereignty, and our people's health and safety are all at risk if we get it wrong. The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. दो दिन पहले ही चीन के विरुद्ध अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास हुआ था। तस्वीरें साफ हैं। अमेरिका ने ठान लिया है कि वो चीन को हर हाल में सबक सिखा कर रहेगा। आज तक ब्यूरो। चीन को लेकर पूरी दुनिया में अविश्वास है। इसी बीच संवेदनशील टेलीकॉम क्षेत्र में चीनी कंपनियों जैसे हुआई और ZTE को भारत में 5G नेटवर्क में हिस्सा लेने की मंजूरी मिलनी चाहिए या नहीं, ये सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि चीनी सेना से चीनी टेलीकॉम कंपनियों के संबंधों की चर्चा की जा रही है। भारत सरकार में उच्च स्तर पर दोनों कंपनियों समेत चीनी टेलीकॉम कंपनियों की 5G नेटवर्क में एंट्री पर बड़ी बहस जारी है।
सरकार को मंथन का मौका मिला है क्योंकि कोरोना की वजह से भारत में 5G नेटवर्क की मंजूरी एक साल के लिए टली है। दिसंबर 2019 में जब 5G नेटवर्क का ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें इन दोनों कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी मिली। लगभग 25% तक सस्ता होने की वजह से दुनिया भर में इन दोनों कंपनियों ने टेलीकॉम में अपना दबदबा बढ़ाया। यूरोपीय टेलीकॉम कंपनियां जैसे नोकिया और एरिक्सन पिछड़ गई। भारत का टेलीकॉम सेक्टर दुनिया भर की कंपनियों के लिए बड़े मौके की तरह। भारत में 45 करोड़ हैंडसेट हैं और 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। 5G नेटवर्क भारत की टेलीकॉम सेक्टर का गेम चेंजर हो सकता है। 2035 तक 5G से 75 लाख करोड़ रुपयों की आर्थिक गतिविधि होने का अनुमान। टेलीकॉम बड़ा बाजार है लेकिन इसकी संवेदनशीलता को दुनिया के देश समझने लगे हैं। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के इस नक्शे पर आप देख सकते हैं कि चीनी कंपनी हुआई के 5G नेटवर्क को लेकर कहां प्रतिबंध है, कहां प्रतिबंध नहीं है, कहां इसका सीमित इस्तेमाल है और कहां फैसला होना बाकी है। भारत में 5G नेटवर्क में इसके शामिल होने को मंजूरी देने पर फैसला होना अभी बाकी है। सफेद रंग से दिखाए गए इलाकों में 5G नेटवर्क को लेकर जानकारी नहीं। कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा, चिंता की बात यह कि एक दिन में 40,000 के आंकड़े को पार कर जा रहे हैं संक्रमण के, और सावधानी इसीलिए बेहद जरूरी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।